गेट नंबर 5 पे जाना है हम लोगों को. क्यों सर? सर तो इस लॉन्ग वॉक वी आर जस्ट ऑन द वे. अब देखते हैं वहीं से टिकट, फिर एंट्री, फिर वैरायटी ऑफ गाड़ीज दिखाएंगे आपको. गाड़ियाँ. सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हॉल नंबर 5 की तरफ, और एंट्री करते ही हमें राइट हैंड साइड पे मिला मेटा का एक लेआउट, और वहाँ पे फिर स्टैटिक का एक स्पेस है जो कि चार्जिंग पॉइंट जनरली देती है. ओ क्या शानदार गाड़ी है मैन. फिर हमने देखा जैगुआर की गाड़ी लगी हुई. टाटा के चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं तो वो डिस्प्ले कर रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट व्हीकल यहाँ पे आके, मतलब हमारे चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो. बट ओवरऑल जो मैं आपको बताऊँगा इस गाड़ी की जो ब्यूटीनेस है वो देखते ही बनती है. और अगेन इट्स माई ड्रीम कार एंड आई विल डेफिनेटली बाय. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. आगे बढ़ते ही हमने देखा EVA पुणे बेस्ड स्टार्टअप है जो कि सोलर से चार्ज होने वाली कार बनाती है. ओ माय गॉड, मतलब इतने ब्रिलियंट माइंड के लोग हैं मैन. सोलर से चार्ज, मतलब ये जो रूफ हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पे सोलर प्लेट्स लगे हैं, वो क्या करती है कि सन रेज को एब्जॉर्ब करके गाड़ी को चार्ज कर देती है. अब हम हैं BYD के पेविलियन में, और इनकी एक ही कार है A23. ये एक चाइनीज़ EV मेकर है, और बता दूं कि वर्ल्ड में आई थिंक टेस्ला के बाद सेकंड मोस्ट सेलिंग कार्स बनाते हैं लोग. सो डेफिनेटली बेस्ट स्टफ टू सी. और इनके मॉडल्स वगैरह, बिल्ड क्वालिटी, मतलब जस्ट वाव फैक्टर है इन गाड़ियों में. अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने टेस्ला की गाड़ियां बस देखी हैं वीडियोस में, बट जो कि अब आंखों से रूबरू हो रहा हूँ इन गाड़ियों से, तो दिखते ही मतलब आप देख सकते हो क्या ब्यूटीनेस है इस गाड़ी में. दो मैंने कुछ फील किया था इनका जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब नॉट एज टफ एज टाटा, बट अगेन बहुत मतलब मन से बनाई हुई गाड़ियाँ हैं. सुपरमैन. अभी हम आ चुके हैं इंडिया की फर्स्ट EV स्टार्टअप प्रवेग. बैंगलोर बेस्ड है, उनकी गाड़ी वीर करके है कोई. देखते हैं क्या एग्जैक्टली है इस गाड़ी में. चलिए तो शुरू करते हैं बात इंडियन EV मेकर प्रवेग. तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, देखो इनका ये लोगो भी है, और इन्होंने एक मिलिट्री के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए उन्होंने एक गाड़ी बनाई जो कि बिल्ड क्वालिटी मैं बता नहीं सकता, इतनी मजबूत थी, मैंने खुद से छू के देखा. और आपको बता दूं कि ये डेडिकेटेड है फॉर आर्मी के लिए. EV कम्प्लीटली EV है ये, इसमें मतलब ज़्यादा आप वो नहीं देख सकते कि टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली है, बट इसमें ज़्यादा शोबाजी आप नहीं देखोगे. अगेन अ बेस्ट कार फॉर आर्म फोर्स. और इसमें मैं बता सकता हूँ कि इसमें आधे घंटे में इतना बैटरी चार्ज हो जाती है कि काफ़ी टाइम के लिए गाड़ी चल सकती है. तो आपको पता ही है कि जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, जो हमारे फोर्सेस जो डिप्लॉयड हैं, ऑब्वियसली माउंटेन एरियाज में हैं, और वहाँ पे गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसको देखते हुए ही बनाया गया है. तो फाइनली ह्यूंडे की के पवेलियन में हम आ गए हैं. और आपको सही बताऊं तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मैं ह्यूंडे की गाड़ियों को सुजुकी गाड़ियों से ऊपर इसलिए मानता हूं क्योंकि इनका इंजन काफ़ी रिफाइंड होता है. और अगर मैं आपको बताऊं, बिल्ड क्वालिटी इज़ आल्सो स्ट्रॉन्गर दैन सुजुकी. एंड अब टाटा ने इनको ओवरटेक कर लिया है अगर सेल्स यूनिट की हम बात करें तो, बट सुजुकी के बाद अब टाटा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं. ह्यूंडई के ह्यूंडई थर्ड पे आ गया ओवरऑल. तो इनका एक IQNIQ 8 करके गाड़ी लॉन्च किया है इन्होंने, अभी हमारे शाहरुख भाई पठान साहब ने अभी अभी लॉन्च किया है.
उसका एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। देखिए अंदर बिल्ड क्वालिटी कितनी शानदार है, क्योंकि अभी इंडिया में अभी मतलब शोकेस के लिए रखा है इन्होंने, तो इसलिए लेफ्ट की तरफ इनका स्टीयरिंग है, वैसे इंडिया में राइट तरफ होता है। तो जस्ट टू शो यू गाइस, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सुंदर है। ये पैक का जो पोर्शन है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ओवरऑल अ वेरी नाइस कार। A number of likes on your pictures. Actually, win an iPhone each. I am not too sure about you guys, but we definitely want to win the iPhone. So we are all into the game. Let's take the picture. मैं क्या दिखा, Hyundai का एक रोबोट। तो इस भाई साहब का नाम है बॉस्टन डायनेमिक्स, शायद उनके Hyundai वालों की एक यूनिट है जो कि बनाते हैं, बट इसका नाम है एटलस। और राइट हैंड साइड पे इनका एक रोबोटिक टाइप है, देखो मतलब कैसे भी ऊबर खबर जगह पे चले जाएंगे, बट इस पे रखा हुआ सामान या मतलब उनका सस्पेंशन इस तरीके से बनाया गया है कि कोई गिरेगा नहीं। उसका नाम है मोबेड, सुपर मैन, टेक्नोलॉजी के उस्ताद हैं Hyundai वाले। तो Hyundai वालों का एक विज़न है इस तरीके का शहर बनाने का, जिसमें कि इस तरीके से क्वाड कॉप्टर्स होंगे जो कि किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आसानी से ले जाएंगे। तो अगेन अभी तो ये दिखने में लग रहा है, देखते हैं कब पूरा होता है। फाइनली अब है किया के पेविलियन में, इन्होंने एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया है पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए। और ये गाड़ी अभी इंडिया में जो मिल रही है किया कैरेंस के नाम से अभी, तो ठीक है दिखने में ठीक है, बट भाई हमारा जो स्कॉर्पियो है पुलिस के लिए वो मैं उसको सबसे ऊपर आंकता हूँ। मतलब बिल्ड क्वालिटी में वाव है, अगेन देसी गाड़ी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इंडिया के लिए वो तो वही बेस्ट है, बट किया में है तो उसकी बात कर लेते हैं। ये है इनका EV6, बहुत ही प्यारी गाड़ी, राइक आइकोनिक जो Hyundai की थी उससे मुझे लगता है कि ये गाड़ी मुझे दिखने में ज़्यादा सुंदर लग रही है, अगर मैं सही तरीके से बताऊँ तो। अगेन EV है तो EV का जमाना आ रहा है, एंड जस्ट पीछे से भी मतलब वाव फैक्टर है इस गाड़ी में, मैं मज़ा आया देख के। तो देख के हमारा भी गेम खेलने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई कर लूँ, तो बस ट्राई किया मैंने। बट पोजीशंस जो आई वो दिख जाएगा आपको अंत में, 74th पोजीशन, बट ओवरऑल मज़ा तो बहुत आया। नॉर्मल
बात है, अद्भुत। पूरे अंदर तक घुसा दिया कैमरा को। क्या बात है भाई, ये गाड़ी कब लॉन्च हो रही है? किया के मेन पवेलियन में हम लोग सेल्टोस। लॉक है तो फाइनली सुपर फन का हम एंड करेंगे। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल गर्ल जो कि कार के ब्यूटीनेस को और बढ़ा रही हैं। तो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट टू में। सी यू।